हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, एंड आगे जाके जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुमने क्या खोया है जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खोया है? क्या तुमने सृष्टि किया था जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया है यही से ही लिया है, तुमने जो दिया है यही पर ही दिया है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का होगा एंड परसों किसी और का, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। मैं बहुत दिल से मानती हूँ इस चीज़ को। आपको लगे ना कि हाँ यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म मत होने देना, आगे बढ़ते जाओ। लाइफ इज ऑन। मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल साइलेंट टिप्स विद पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो गाइज। तो आज है जन्माष्टमी एंड आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तरफ से बहुत सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे घर की जन्माष्टमी किस तरीके से होती है एंड इंटायर डे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो आज की ब्लॉग को इसी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ऑलमोस्ट 11 इन द मॉर्निंग। मैं बस कुछ ही देर पहले उठी थी एंड कुछ काम था, मैंने वो कंप्लीट किया। अभी मैं नीचे आ गई हूँ नोनो को खाना खिलाने के लिए, तब जाके पता चला कि यहाँ पे बिस्किट नहीं है, मतलब घर में बिस्किट खत्म हो गए इन लोगों का, नोनो का, बाहर के जो बच्चे हैं उन लोगों का। तो अभी मैं फिलहाल जाऊँगी दीदी के घर, दीदी इन द सेंस जो माँ की हाउस होल्ड में यू नो हेल्प करता है, उनके घर के ऊपर ही दुकान है। तो वहाँ से मैं झटपट बिस्किट लाऊंगी, देन उसके बाद इन लोगों को खाना खिलाऊंगी। और क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, मुझे बस 10 सेकेंड दो। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने बिस्किट की पैकेट ले लिया है। ये वाली जो बिस्किट आप देख रहे हो ना, इसे हम बंगाली में निमकी बिस्कुट बोलते हैं। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है खाने में, तो मैंने देखा एंड ले लिया। और एक मारी लिया है, भाई के लिए मैंने पार्ले जी लिया आज, क्योंकि उसे माँ की जो पतंजलि वाला दूध बिस्कुट होता है वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट स्टिल मैं कहूँगी कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको इस तरीके की बिस्किट मत दीजिए। एक आध दिन ठीक है, चल जाता है। वहाँ पे है मेरा बच्चा। खाना खिलाने के बाद ना गाइज, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करूँगी। मुझे जो आप लोगों को दिखाना था, मैंने रिसेंटली में ही अमेजन से एक डायरी ऑर्डर किया है, और वो डायरी है ये। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा फोकस ले लो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल बाय लिटिल ए लिटिल बिकम्स मोर। तो मुझे ना ये कोट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, काफ़ी रिलेटेबल है, मैंने इसको लिया है। एंड बाहर शायद आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, क्योंकि आज मतलब सामने ही विश्वकर्मा पूजा है, तो पतंग उड़ाना चालू हो गया है। एंड आप कोई भी बच्चे का बचपन उससे छीन नहीं सकते हो अपने काम के लिए, कि हाँ चिल्लाओ मत, ये मत करो। तो मैं भी कभी भी नहीं कहती हूँ, वो लोग आराम से रहते हैं, आप थोड़ा सा मेरे साथ डील कर लो। तो मैंने इसको लिया है एंड इसका प्राइस पड़ा था जस्ट 180 रुपीज़ गाइज। सो अगर आप लोगों को ये डायरी लेनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है। सो फिलहाल मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होने वाली है पूजा का काम, एंड मुझे आज शैम्पू भी करना पड़ेगा। और एक बात बताओ गाइज, आप लोगों को करवाया था लास्ट ब्लॉग में केराटिन ट्रीटमेंट, ठीक है। हेयर रिपेयर रिवाइव ये सब पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने शैम्पू दिया है अलग से एक, एंड ये शैम्पू कुछ डी फैब्यूलस। हाँ तो ये वाली शैम्पू है, एंड ये शायद शैम्पू या फिर कंडीशनर, हाँ कंडीशनर है। का प्राइस पड़ा दोनों को मिला के 2700। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। चाहती थी कि मेरी ये दुख भरी कहानी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने कर दिया है। और जाते जाते मेरे पास एक इतना बदरा, हाँ मैं तो बहुत फैबुलस हूँ, एक अमेजिंग सा आइडिया आया। हर एक ब्लॉग में या फिर अगर हो सके प्रमोशन को छोड़ के हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल कोट दूंगी। गाइस देखो, जिसको मतलब कोई भी चीज़ों में अच्छा दिखता है वो उसको ले लेता है, जिसको खराब दिखना होता है वो खराब ही लेता है।
तो मेरा काम है जो वो मैं करूँगी, क्योंकि मैंने कभी ये सोच के YouTube में नहीं आई थी कि मुझे ब्रांड्स की सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करनी है। मेरी बस यही एक चाहत थी कि मैं किस तरीके की हूँ, मेरी थॉट्स क्या है, वो मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड लिटरली गाइस, ट्रस्ट मी, आई एम सो ग्रेटफुल कि लास्ट जब मैंने प्रैंक किया था कि फाइनली मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम छोड़ रही हूँ, उस टाइम पे इतने सारे कमेंट्स आए। आई गेस 1500 कमेंट अब तक आ गए हैं, वहाँ पे शायद 10 या 15 सिर्फ बैड कमेंट्स है, बाकी सबके सब बोले जा रहे हैं कि दीदी आप इंस्पिरेशन हो, आप इस तरीके से हार जाओगे तो हम क्या करें। एक क्रिएटर का होता है कि बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस पसंद करते हैं, लेकिन ये जो आप लोगों ने कह दिया ना कि इंस्पायर करता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कि उस दिन मेरे ऊपर पूरा दिन क्या बीता। मैं बस इतना ज़्यादा वो फील कर रही थी, एक टाइम के बाद गिल्टी फील हुआ कि क्यों किया यार तुमने प्रैंक, फिर उसके बाद लगा कि नहीं ठीक है, तुमको भी पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, लोग आपको किस तरीके से ले रहे हैं, कितना प्यार करते। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया कि मैं तो डर गई थी। अभी आप एक चीज़ बताओ, मुझको आप पर्सनली पहचानते नहीं हो, मेरी वीडियो करने से ना करने से किसी का क्या जाता है, फिर भी आप डर गए हो। आप लोग बोल रहे हो कि दीदी बहुत ज़्यादा रोई, ये कमेंट भी बहुत आया कि रोई कि आपको हम नहीं देख पा रहे, तो मुझे लगा कि अरे भाई मैं क्या मर रही हूँ, तो वो एक ना फील इतना अच्छा लगा। सो आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। तो हम लोग अभी पियेंगे थोड़ा सा रोटी, हाँ, तो ये पीने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, नहाने के बाद स्टार्ट होने वाली है हर एक काम। एंड मैं आलगुनों के हिंदी देखी बोले जाना, ओ बाय द वे आपने तो मेरी आज हिंदी वाली मैडम को देखा ही नहीं, सबको एक बार हाय बोल दो माँ, और एक चीज दिखा दो माँ बाल खोल के एक बार, मम्मी ने एक जबरदस्त कट किया है बालों में, आय हाय मम्मा तुम्हारा बाल ही नहीं दिख रहा, जूटी दिखा दो ये वाली मेरी। तो मम्मी के जो बाल थे वो इतने लोगों को पसंद आते थे, सभी लोग बोलते थे आंटी आप बालों में क्या लगाते हो, आंटी आपके बाल कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। फाइनली माँ ने कट कर दिया है। तो ये जो हेयर है वो हम लोगों ने कैंसर की जो ये मतलब होती है ना, समझ पाओगे, तो उसको हम लोगों ने डोनेट कर दिया है। माँ भी फिलहाल बहुत खुश है। मम्मा एक बार हंस दो, बोला हम मैं बहुत छोटी हो गई हो, बोला नहीं बाबा मुझे नहीं याद, मैं बहुत छोटी हो गई हूँ, और गई हूँ उसकी बेटा वहाँ पे। तो मुझे नहाने के बाद आज अल्पना भी देना होगा, मुझे अल्पना का हिंदी मालूम नहीं है, माँ को हिंदी मालूम नहीं है, तो बहुत सुंदर करके मैं आज दूंगी। तो चलो मिलती हूँ कुछ ही देर में। की बोल रहे की बोलता हबे, तुम्हें की बोल बेला हबे। सो गई यहाँ पे है हमारा कचा है कचा, चलो फोकस नहीं बना। तो बहुत सारे लोग बहुत डीएम कर रहे हो भाई को, हाँ के आ चुकी हूँ। एक सेकंड, फैंड ऑफ कर लूँ। इट्स ऑलमोस्ट मतलब 2 बज चुके हैं, पूजा स्टार्ट होने वाली है 4:30 से, एंड मैं बहुत जल्दी जल्दी में मैंने नहाया, बहुत दिनों के बाद नहाया मतलब अच्छी तरीके से। क्यों मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से ठीक तरीके से हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, रिजर्वर में ना पानी आ रहा था, ना टंकी में जा रहा था, ना शावर जब लेती थी शावर में पानी आ रहा था, तो बहुत सोच समझ के बाहर से पानी ला के ले आके हम लोगों ने कुछ दिन ऐसे काम चलाया, एंड फाइनली जाके सब कुछ ठीक हो गया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने नहाया। मैंने रिसेंटली में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एंड एक अगर चीज़ सच्ची में बताऊँ ना, तो जब आप मुझे पहले देखते थे आप लोगों को पता होगा कि मैं नास्तिक थी। एक मूवी आप लोगों ने देखा है ओ माय गॉड, तो वहाँ पे बहुत अच्छी एक कहावत थी कि एक नास्तिक ही एक दिन एक बहुत अच्छा आस्तिक बन सकता है, एंड विच आई रियली बिलीव क्योंकि मैंने खुद को देखा है इस मामले में। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा सा चीज़ पढ़ा, अभी तो बुक मैंने नहीं खरीदा है, बहुत जल्दी खरीदूंगी। तो एक बहुत ही प्यारा सा मैंने चीज़ पर जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, ये बंगाली में था, मैं हिंदी में बता रही हूँ इसीलिए मुझे देखना पड़ रहा है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, एंड आगे जाके जो होगा वो भी अच्छा होगा।
तुमने क्या खोया है जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खोया है? क्या तुमने सृष्टि किया था जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया है यही से ही लिया है, तुमने जो दिया है यही पर ही दिया है। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का होगा एंड परसों किसी और का, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। मैं बहुत दिल से मानती हूँ इस चीज को। आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी भी आपको लगे ना कि हाँ यही पे खत्म हो रहा है, तो उस चीज को वहीं पे खत्म मत होने देना, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में हर वक्त दुख नहीं रहता है एंड हर वक्त खुशी भी नहीं रहता है, क्योंकि सुख दुख सब कुछ को मतलब मिलाते हुए ही ये जिंदगी है। सो जस्ट जो हो रहा है उसे मान लो, अगर गलती भी हुई है आपसे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ते जाओ। लाइफ इज़ अमेजिंग गाइस। मैं अभी बहुत मैंने ज्ञान दे दिया है, एक्चुअली मैं ज्ञान नहीं, गीता आपको सिखाती है कि किस तरीके से आपको लाइफ में से मोरल एथिक्स इन सभी चीज़ों को लेना है एंड आगे बढ़ना है। ये नहीं सिखाता है कि आप भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, कभी भी नहीं। आप अगर पढ़ोगे मेरे भाई भी बहुत मतलब अच्छा है, हम लोग सभी बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी नीचे, मैं आलपना दूंगी एंड बहुत शांति अभी लग रही है। तो चलो पूजा की काम स्टार्ट करते हैं एंड सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो नीचे का काम तो फाइनली ख़त्म हुआ, मैंने बस थोड़ा सा एक मतलब अगेन रॉ चाय पिया है। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, फटाक से रेडी होंगी, साड़ी पहननी है मुझे, ये पूजा वाली प्रिपरेशंस होती है वो सब करनी है। मम्मी किचन में है क्योंकि वो उस साइड को संभाल रही है, तो मेरी बैटरी की मतलब चार्ज नहीं है गाइस कैमरा में, तो मैं अभी बैटरी को चार्ज दूंगी एंड जब शाम में पूजा स्टार्ट होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं बस उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, कुछ देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, नीचे पूजा करने के लिए आ गए हैं ऑलरेडी, और मैंने आज इस साड़ी को वेयर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हाइट कलर की साड़ी वेयर करना। तो चलो जल्दी जल्दी पूजा में बैठते हैं एंड सब कुछ कंप्लीट करते हैं। मैंने बिंदी अभी तक वेयर नहीं किया है, नीचे जाके वेयर करूँगी, क्योंकि पूजा का प्रिपरेशन मतलब करते करते इतना ज़्यादा लेट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 5:15, वी आर गेटिंग लेट, मतलब होता है ये सब चलता है। तो चलो जाते हैं। एते गंध पुष्पयों अदर्शतारुई नमः, एते गंध पुष्पयों अनंतारुई नमः, एते गंध पुष्पयों कुर्मारुई नमः, एते गंध पुष्पयों Thank you.
पादं नमः ंडलवाणुकुंडलवाणुक्रो ओं नमो नारायण पूजा हो चुकी है एंड मैं आपको बता नहीं सकती इतना ज़्यादा आज मैंने एक अच्छे दिल से बहुत दिनों के बाद जब मैं पूजा दे रही थी मतलब जब सब कुछ हो रहा था एक टाइम ना मेरे आँखों में पानी आ रहा था इतना हल्का लगा आज इतने दिनों के बाद मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने सालों बाद अब जाके मैं ठीक से पूजा में बैठ पाती हूँ। पहले क्या होता था कि माँ पहले तो मैं बैठती थी भी नहीं दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत पहले पहले ये चीज़ होता था जब एक एक मंत्र चैंट करते थे एक शांति बीच में वो शांति कुछ सालों से नहीं था एंड फाइनली आज इतने दिनों के बाद वही शांति मिला इतना अच्छा लग रहा है शायद मैं ओवर लग रही हूँ किसी किसी को लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि सच्ची में मैं कितना ज़्यादा रिलीफ अभी महसूस कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अभी रेस्ट लूँगी पूजा से पहले भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी लेकिन पूजा के बाद जब मैं बैठी एक वो फील किया पॉजिटिव एनर्जी अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा उस टाइम पर ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम हो रही थी तो थोड़ा सा रेस्ट लूँगी उसके बाद प्रसाद खाऊंगी हमारे घर में भोग भी बनता है। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करते करते बोनू को फ़ोन लगाऊंगी क्योंकि कल हमारी होटल बुकिंग है बस और एक हफ्ता बाकी है 8-10 दिन बस फिर आराम से मतलब ज़िंदगी जिएंगे एक हफ्ते फिर वापस आएंगे फिर से काम चालू होगी तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी जाके तो ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ एंड अगर अच्छी लग रही हूँ तो वो भी बता देना ठीक है मैं आपसे मिलती हूँ बस कुछ ही देर में। इतना ज्यादा टेस्टी बनाया है कांट इवन टेल यू और ऊपर से सुबह से कुछ नहीं खाया तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है एक ही फ्लेवर को मतलब मैं टेस्ट कर पा रही हूँ सो इट्स जस्ट अमेजिंग गाइस एंड ऐसे भी जो भोग होता है उसका एक अलग ही फैन बेस है तो अगर आपको पसंद है पूजा के बाद भोग खाना तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मेरे छोटू ने भी खा लिया है खिचड़ी एंड एग्जैक्टली यही होता है वो लोग सब कुछ समझ पाते हैं एंड मैं और माँ आज मतलब हम लोगों का उपवास था भाई ने भी आज कुछ नहीं खाया कुछ भी नहीं सो जब मुझे प्रसाद माँ ने दिया मैं खा रही थी यहाँ पे भाई यहाँ पे सोया हुआ था जहाँ पे ये अब है तो बहुत देर से मुझे देख रहा था तो मैंने सोचा कि ठीक है मतलब सोचा होगा कि मैं कुछ अलग खा रही हूँ
एंड इसी वजह से शायद ये सब चीज़ें वो कर रहा है। मुझे बार बार देख के ये सब मतलब इस तरीके से पूछ रहा था। जब भी कोई इंटरेस्टिंग सा फूड मैं खाती हूँ या फिर उसको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो वो पूछता है कि क्या है दीदी, दीदी क्या है। तो उसी तरीके से उसने पूछा, आई वॉज लाइक वेज है तुम नहीं खाओगे? तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। देखो देखो वो कैसे बात है सुन रही। तो हो जाने के बाद लास्ट एक बस निवाला मैंने इसको दिया। खाने के बाद बंदा वहीं पे बैठ गया कि मुझे अभी खाना है खिचड़ी। तो मैं फिर से बाहर गई, ले आई, एंड नोनो ने आज 3 बार खिचड़ी खाया बाय द वे। यस, इतना इतना सा पोर्शन में 3 बार खाया। तो अभी जाके उसका पेट थोड़ा सा भरा हुआ होगा एंड उसको भी वो टेस्ट लग रहा कि बाबा के बाबा वो कदर से डील करना, मतलब बाप रे बाप। तो अब जाके इसका पेट थोड़ा सा भर गया है एंड अभी मैं क्या करूँगी। इट्स ऑलमोस्ट 7:30 और कुछ शेयर करने लायक आज है नहीं। मुझे ये सब निकालना है क्योंकि सफोकेशन हो रही है एंड उसके बाद मैं सिंपली सो जाऊँगी। प्रॉब्लम होती है माँ को क्योंकि प्रसाद लेने के लिए बाहर से लोग आते हैं, तो माँ को वही मतलब बैठी रहनी पड़ती है 9:30 उसके बाद मम्मी का हालत देखने लायक नहीं होता। सो या गाइज, आज की जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। लास्टली हैप्पी जन्माष्टमी। बाय।